मित्रों, मैं शत्रुघ्न आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल शत्रुघ्न फार्मिंग जोन में। आज नवीन कुमार जी ने हमारे चैनल को बहुत रिक्वेस्ट करके समय दिया है मोरिंगा की जानकारी के लिए। बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं मोरिंगा के बारे में नवीन कुमार जी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार। मैं आज आपको मोरिंगा के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मोरिंगा एक आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ लोग इसको सहजन के नाम से भी जानते हैं। सहजन हमारा एक आयुर्वेदिक में बहुत महत्व रखता है। ये हमारे आयुर्वेदिक में एक अमृत के समान औषधि का काम करता है। बात कह रहे हैं जी नवीन जी। ठीक है जी, मोरिंगा के द्वारा जो हम इसका सेवन कर सकते हैं, उसके द्वारा हम अपनी अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसे हमारा माइग्रेन हुआ, ठीक बात, हमारा मोटापा हुआ, ठीक बात है, हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हुई, विटामिन हुए, प्रोटीन्स हुए, इन सब में मोरिंगा एक अमृत के समान काम करता है, जिनमें और चीजों के मुकाबले इसमें 10 गुना ज्यादा इन चीजों का पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ विटामिन की, तो बनाना से 9 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। अच्छा जी, पोटेशियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन हम इसके पत्तों द्वारा भी कर सकते हैं, इसके चूर्ण द्वारा भी इसका सेवन हम कर सकते हैं। इसका मेन चीज होता है हमारा कि इसके पत्तों को हम सुखाकर उसको चूर्ण बनाएं। उस चूर्ण का हम नियमित रूप से सुबह शाम आधा चम्मच इसका पानी या दूध के साथ इसका सेवन करें, तो हमारे अंदर जितने भी रोग होते हैं, जैसे कि माइग्रेन हुआ, मोटापा हुआ, बीपी हुआ, और हमारे जी कमर, तो हम इसके जो पत्तों का सेवन करते हैं, वो हमें पाउडर बनाने के लिए इसके पत्तों को तोड़कर छांव में सुखाकर तब इसके पत्तों का हम सेवन करेंगे। पत्तों को तोड़कर छांव में सुखा लीजिए, जब ये पत्ते सूख जाए तो उसको मलिन चूर्ण, कुठिन चूर्ण बनाकर, कोट कर, बिल्कुल बिल्कुल बारीक कर उसका सुबह से हम सेवन करें, गर्म पानी के साथ या दूध के साथ, तो इसको हमारे अनेक रोगों में फायदा मिलता है। अगर कोई लोग चाहते हैं कि इसका हम चूर्ण नहीं बना सकते, तो आप इसके जो पत्ते हम देख रहे हैं, आप ये इसके पत्तों का आप चाय के साथ भी सेवन कर सकते हैं, या काढ़ा बना के भी इसका हम यूज कर सकते हैं गर्म पानी के साथ सुबह शाम, जो हमारे अनेक औषधीय रूपों में हमारे लिए काम आता है। इसका प्रयोग किसान भाई भी गांव में कर सकते हैं, और शहर में रहने वाले लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नवीन कुमार जी, जो शहर में लोग हमारे भाई रहते हैं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन ये प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होता, और दूध ऐसी चीज जो भी ग्राम में मिल जाती है भाई, किसान भाइयों को, शहर में नहीं है, उसके लिए मोरिंगा के बारे में हमारे भाइयों को क्या संदेश दे रहे? देखो, मैं शहरी लोगों के लिए बताना चाहूंगा, मैं स्वयं भी दिल्ली में रहता हूँ और मैं इसका स्वयं यूज करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम देखे आज के दिन में दिल्ली में अगर हम दूध देखे तो सब मिलावटी दूध आता है। हम अपने बच्चों को दूध किस लिए पिला रहे हैं? ताकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, भरपूर मात्रा में उनको प्रोटीन्स मिले, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है शहरों के अंदर। जो शहरों में रहने वाले भाई या लोग हैं, उनको पता हो कितनी मिलावटी चीजें आ रही है। लेकिन अगर इस पौधे को हम अपने छत पर भी अगर उगा देते हैं, अपने शहरों में हमारी छत खाली पड़ी रहती है, आप इसका पौधा लगाइए छत में, गमले में पौधा लग जाएगा। एक बार पौधा लगाने के बाद 7-8 साल तक अगर आप इसकी कटिंग करके भी इसको उगाते रहेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देख रहे होंगे कि एक नॉर्मल पौधा है, जो पतला पौधा है, आप इस पौधे को आराम से एक बड़े गमले में अपनी छत पर लगा सकते हैं, और डेली यूज पर आप इसके पत्तों का सेवन करके चाय में पत्ते उबालकर आप सुबह शाम चाय पीजिए इसकी। अगर आप चाय नहीं पी सकते तो इसके पत्तों को तोड़कर आप इसके छांव में सुखाकर इसके चूर्ण बना लीजिए। और एक बात और मैं भी बता दूं कि सभी भाइयों को, जो इसके पत्ते सुखा के छांव में, उसकी पत्ते पानी में उबालकर सुबह जो हम ग्रीन टी पीते हैं, उसकी जगह भी यूज कर सकते हैं। एज ए ग्रीन टी की तरह हम इसको पी सकते हैं, एज ए ग्रीन टी की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को ऑफिस में ले जाकर वहाँ पे गर्म पानी करके इसको मतलब ग्रीन टी के रूप में आप पी सकते हैं इसको। और किसान भाइयों, सभी भाइयों को मैं भी ये भी बता दूं, इसमें दूध से ज्यादा 4 गुना कैल्शियम है, और संतरे से जो ज्यादा 9 गुना संतरे ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी है, केले से ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन है 21 गुना, कैल्शियम इसके अंदर 15 गुना ज्यादा है बाकी नॉर्मल चीजों से। नवीन कुमार जी, देखो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे अपने दोस्तों को और किसान भाइयों को। और भाई ये देखो, इसका जो फूटा हुआ है, मैं भी ये भी बता दूं आप सभी भाइयों को, और नवीन जी भी बता देंगे, ये कटिंग होनेगी, कटिंग के बाद इसका फूटा बहुत अच्छी तरह फैलता है, और
ये देखो कटिंग के बाद एक पेड़ होगी, ये इसमें से लताई निकल रही है, और जब लताई यहां से हम इसका कटिंग कर देंगे, जिसके इसमें जितनी भी गांठ है उसका सभी फुटाव हो जाता है। ये देखिए आप सभी भाई फुटाव भी हो गया, देखो बहुत अच्छा फुटाव हो रहा, और आगे की जानकारी हमारे नवीन कुमार जी देंगे। देखो भाइयों, इसको हम समय समय पर इसका हमें कटिंग करते रहना चाहिए, ताकि हमारा इसके हमारा फुटाव ज्यादा हो सके, उसका हम ज्यादा उपयोग कर सके। हाँ, उत्पादन आप इधर देख सकते हैं, इन्होंने सारे अपनी कटिंग कर रखी है अभी एकदम से। हाँ। और देखो जितनी भी इन्होंने कटिंग कर रखी है, अभी सारे फोटे फुटाव में आएंगे और एक ज्यादा विकट रूप लेकर, ताकि इससे ज्यादा उत्पादन ले सके, उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी, पौधों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो पाएगी। हमारा एक पौधा ये, अगर चाहे तो आप इसको, जैसे हमारा नीम का पौधा होता है, शीशम का पौधा होता है, इस तरह भी इसको हम काट काटकर इतना बड़ा हम इसको कर सकते हैं। एक पौधा भी हमारा कई कई साल तक हमारा चल सकता है फुटाव के कारण। तो समय समय पर आप इसको काटिए, इसका इसको फुटाव आएगा, हम इसको फिर उपयोग में लेंगे दोबारा से, फिर आप इसका कटिंग कीजिए, फिर आप इसको बार बार उपयोग में ले सकते हैं। जैसे किसान भाई गन्ने को काटते हैं, एक एक फसल दो फसल लेते हैं, तीन फसल लेते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। आप इसको 6-7 साल 8 साल तक भी आप इसकी कटिंग करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी जो मैंने आपको उपयोगिता बताई थी चाय में पीने के कारण, आपको अगर याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसके बारे में एक बार कहा था कि आप सहजन का यूज कीजिए, मोरिंगा का यूज कीजिए, ताकि आपके अंदर जो बीपी की प्रॉब्लम्स है, शुगर्स की प्रॉब्लम है, वो आपकी कंट्रोल रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं इसकी चाय पीते हैं, अगर आप लोगों को ना पता तो मैं जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, स्वयं प्रधानमंत्री इसका यूज करते हैं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत है, आप दक्षिण के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हमारे भारत के साउथ इंडियन दक्षिण में इसका भरपूर मात्रा में लोग उपयोग करते हैं, वहाँ इसको लोग मोरिंगा ही के नाम से जानते हैं, सेजन के नाम से नहीं जानते। और ड्रमस्टिक भी कहते हैं इंग्लिश में, एज ए इंग्लिश नाम इसका ड्रमस्टिक है, जो आप लोग हमारे इंग्लिश भाई से पूछेंगे तो वे लोग आपको बता देंगे। लेकिन आप साउथ में आप किसी से पूछ लीजिए हमें मोरिंगा, वो आपको मोरिंगा के बारे में इतनी जानकारी दे देंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ ये लोग यूज करते हैं मोरिंगा का, इतने इसके औषधियों में प्रयोग करते हैं, इतना पावरफुल ये चीज है, इसके अंदर इतने कैलोरीज, विटामिन, पोटेशियम, जिंक, हर चीज इसके अंदर मिलती है हमारे। चलो ठीक है, अब मैं अपने सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आपको अगर मोरिंगा के बारे में अगर और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमारे शत्रुघ्न फार्मिंग जोन्स पर अपने कमेंट कीजिए, कोई भी आपका सवाल हो आप सवाल पूछिए अपने हमारे चैनल पे, आपको उसका वास्तविक उत्तर दिया जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक जानकारी आपके कमेंट्स के अनुसार आपको देते रहें। धन्यवाद। और भाई नवीन कुमार जी का भी हम अपने चैनल की ओर से धन्यवाद करते हैं, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद ये वीडियो इन्होंने हमारे चैनल पर मनवाई है, इसका भी हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।